वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में करा था कि हमने पढ़ा था कि 2 इंच आर्च में पैराबोलिक आर्च में और हमने सर्कुलर आर्चेस पढ़े थे और पैराबोलिक में हमने 2 केसेस पढ़े थे। तो आज हम उनपे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले प्रॉब्लम है हम देखते हैं। देखो, 2 इंच पैराबोलिक आर्च और स्पैन 20 मीटर एंड सेंट्रल राइज 5 मीटर कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 20 किलोमीटर एट द क्रम। फाइंड द रिएक्शन एट स्पोर्ट। रिएक्शन एट स्पोर्ट मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ही है। एंड ड्रॉ BMD फॉर द आर्च। EI इज यूनिफॉर्म मतलब फ्लेक्चर रिजिडिटी हमारे यूनिफॉर्म है। तो हम ये शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हम पहले लिख लेते हैं, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसमें कोई डायग्राम नहीं होना तो पहले हम खुद से डायग्राम बनाते हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं पहले तो देखो ये हमारा कुछ 2 इंच बन गया। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहां से इसे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। देखो स्पैन 20 मीटर, तो हम स्पैन हमारा क्या होता है यहाँ पे, यहां से लेके ये पूरा हमारा जो होएगा स्पैन हो जाएगा, तो ये हमारा 20 मीटर है, ठीक है। और जो हमारी सेंट्रल सेंट्रल राइज दिया हमें 5 मीटर, तो ये हमारी 5 मीटर है। ये आप डॉटेड बनाओगे वैसे तो सेंट्रल राइस, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इसलिए पूरी बनाई है, नहीं तो आप डॉटेड बना चाहते हो डॉटेड भी बना सकते हो। तो ये हमारी 5 मीटर सेंट्रल राइज है। और हमें एक चीज और दी हुई है, देखो पॉइंट लोड 20 किलो न्यूटन का एट क्राउन। क्राउन हमारा सेंटर ही होता है जहां से हमारी सेंट्रल राइज मेजर होती है, तो वो हमारा ये है। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना हम पहले वो देखते हैं। तो हमें इसमें से देखो एक तो हमारा ये VA हो जाएगा, VB हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। देखो ये A, ये पॉइंट B, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आपको पता है अंदर को लगती है HA और HB और ये दोनों इक्वल है। अगर आप सीधा ही इस वीडियो से शुरू कर रहे हो तो आप प्लीज सबसे फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए और कोई मत देखिए, फिर भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो बहुत जरूरी है चीज देखना। तो अब हम देखो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने से पहले हम सीधा शुरू कहां से कर सकते हैं कि हमें VA और VB निकालना है। देखो अगर तो आपको वैसे सिंपल आपको पता है कि कैसे निकलता है। देखो अगर तो सेंटर पर होता है तो सिंपली इधर इक्वली डिवाइड हो जाता है, जैसे 10 इधर हो जाएगा 10 इधर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं पता तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखो अगर हम स्पोर्ट रिएक्शन निकाल लें, तो अगर हम यहां लेते हैं लेट पॉइंट सम ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट B शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो VA इंटू डिस्टेंस क्या हो गया परपेंडिकुलर 20, ठीक है ना। ये ऊपर को जाएगा और लोड नीचे को आएगा, तो माइनस 20 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ डिस्टेंस लेंगे 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप VA देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये इधर जाएगा 200, ठीक है ना, डिवाइड बाय 20 होएगा, तो हमारा 10 किलो न्यूटन ही आ जाएगा। तो अगर हमारा VA 10 आ गया तो हमारा VB भी 10 आ जाएगा। तो यहां से ये यह हमारा VA और VB तो निकल गया, नहीं तो आपको पहले से भी पता था कि हमारा V और VB सेम आएंगे 10 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये निकल गया। अब हमें जो दो चीजें पता हम पहले वो लिख लेते हैं। वो दो चीजें हमें क्या पता है कि एक तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ MY dx बाय EI अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ Y2 dx बाय EI, ठीक है। एक तो हमें ये पता है। और अब आप देखोगे कि जो हमारा केस है वो हमारा पैराबोलिक आर्च पे है ना, पैराबोलिक आर्च है। तो पैराबोलिक में आपको पता है कि हमें एक्स और वाई हमें नहीं निकालना होता, हमें सिंपली हमें गिवन होता है हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है Y=4HX L-X / L2। तो ये दो चीजें आपको पता है, ठीक है ना। अब हमें सिंपली एच ड्राइव करना है और इसके बाद हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। लेकिन अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया नहीं कि BMD कैसे निकालते हैं हम पैराबोलिक या भी सेमी सर्कुलर में। तो वो मैं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि वो कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आगे शुरू करते हैं कि हम कैसा होगा। तो अगर आप अब हम H को लिखते हैं यहाँ पे, देखो जो हमारा H होगा, अब जो हमारा यहाँ पे ना H होता है आपको पता है जो हमारा ये H होते है MB होता है, ठीक है ना, जो हमारा इक्विवेलेंट बीम के लिए होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेक्शन काटना होता है। देखो यहाँ पे हमने सेक्शन क्रॉस करा, P सेक्शन ले लेते हैं X, Y पॉइंट पे, तो मतलब कि ये डिस्टेंस हमारा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बोला है कि हमारा इक्विवेलेंट बीम के लिए होता है, तो हम पहले वो बना लेते हैं इसका इक्विवेलेंट बीम। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट बीम बनाओगे
तो कुछ इस तरह बनेगा। देखो ये ऐसे, देखो इक्विवेलेंट बीम हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ एच होता है, तो हम वो यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। तो बी पॉइंट ये है, सेंटर पे आपका 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे हमने पी काटा जो कि हमारा एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब हमें लेना है मूवमेंट एट पी, ये वाला पी सेक्शन पे, तो मूवमेंट एट पी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो मूवमेंट एट पी क्या होगा हमारा, सम ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखोगे हमारा सम ऑफ मूवमेंट्स, तो आप देखो वी ए इंटू एक्स, वी ए इंटू एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं आ रहा, हम लेफ्ट वाली साइड कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप राइट वाली साइड कंसीडर करते हैं तो अलग आंसर आता है, लेफ्ट वाली करते तो अलग आता है, ठीक है ना। अगर आप राइट वाली कंसीडर करते हैं तो ये पूरा एक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा इजीएस्ट में चलते हैं, वो हम लेंथी में नहीं जाएंगे। वैसे आप राइट से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहां से एक्स लिया, तो ये हमारा बस इतना ही आएगा, ठीक है ना, ये सम ऑफ। तो अब ये आएगा, तो अब हम इसे अगर आगे सॉल्व करें, तो वीए की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली थी 10, तो हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो वीए 10 हो गया, 10 इंटू एक्स, तो 10x, ठीक है ना। 10x हमारा क्या निकला, एम बी, ठीक है ना, इक्विवेलेंट बीम का। ये आपको अगर नहीं आता कि हमने कैसे निकाला, फिर भी आप मेरे सबसे लेक्चर 1 देख सकते हैं, उसके बाद 2 और 3 उसमें अच्छे से समझा रखे है, और 4 भी, तो सारा इसमें समझा रखा है। तो अब हमारा ये निकल गया। अब हमें सिंपली अपना फॉर्मूला उठाना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू एम वाई डी एक्स बाई ई आई वाई स्क्वायर डी एक्स बाई ई आई, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो अब हम सबसे पहले न्यूमिनेटर उठाएंगे। हमेशा ट्राई करो कि आप न्यूमिनेटर पहले उठाओ, फिर डिनोमिनेटर उठाओ। अगर आप साथ साथ लेके चलोगे तो अच्छे से नहीं सॉल्व हो पाता, तो हम ये साथ लेके चलते हैं। तो न्यूमिनेटर लेते हैं हम, तो हमारा जो न्यूमिनेटर आएगा, देखो तो न्यूमिनेटर हमारा है m, अब m b जो है हमारा m है ना, वो m b है ना, तो 10x। देखो जो हमारा स्पैन होएगा ना, वो आप पर डिपेंड करता है। देखो या तो आप 0 से 10 ले लो, फिर 10 से 20 ले लो, ठीक है ना, प्लस लिख के, जैसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे 0 से 10 प्लस 10 से 20। कहीं कहीं टीचर्स या कहीं आप और भी यूट्यूब पे देखोगे तो कुछ इस तरह दिखाते हैं, ठीक है ना, कि आप 2 में ले लो या फिर इन्हें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, एक ही बात है। लेकिन नहीं, आप सिंपली 0 से 20 ले लो, एक ही बात हो जाएगी। तो आप सिंपली 0 से हम 20 ले लेते हैं, ठीक है, हमने पूरा स्पैन के निकालना है। तो स्पैन की जो हमारा है 20 मीटर, तो 0 से हमने 20 ले लिया। अब एमबी, अब एमबी की वैल्यू हमारी आई 10x, वो हमने लिख लिया यहाँ पे 10x, ठीक है ना। अब हमारा वाई, हमारा जो वाई है वो मैंने अभी आपके यहाँ पे लिखा था, तो 4hx l माइनस एक्स बाय एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स बाय ई आई, ठीक है ना, ये हमारा हो गया। अब इसमें से आपको मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में बताया कि अगर आप इंटीग्रेशन 0 से 20 कर रहे हो, तो अब अगर आप 2 बाहर भी निकाल लोगे, अगर आप यहां पे 2 लेके भी आओगे, तो ये 10 हो जाएगा, है ना, ये मैंने आपको बताया, ये हाफ हो जाता है। तो वैसे ही हम लेके चलते हैं, तो हम देखो अब इसमें से और क्या क्या बाहर आ सकता है, 10 बाहर आ सकता है, 4h और l स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीजें बाहर आ सकती है। तो हम लिख देते हैं, देखो 2 तो ये जो हमने इंटीग्रेशन से करा, इंटू 10 इंटू 4 इंटू h बाई एल स्क्वायर। ये मैं स्लो स्लो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या बाहर निकालना और क्या नहीं निकालना। तो हमने ये चीजें बाहर निकाल ली, तो 0 से 10 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x को आप अंदर ले जाओ, ठीक है ना, एक एक्स ये वाला अंदर जाएगा, ध्यान से देखना, मैं सर्कल कर देता हूँ, एक एक्स ये वाला अंदर जाएगा इसके, और एक ये वाला, बहुत बच्चे होते हैं ये भूल जाते हैं, ठीक है ना, या फिर ये भूल जाते हैं। तो आप ध्यान रखा, आप चाहे वहां पे लाइन लगा लेना पेंसिल से छोटी सी कि हमें ये एक्स अंदर लेके जाना है। तो अगर आप इसे लेके जाओगे, देखो एल एक्स हो जाएगा, तो एल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और डी एक्स। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी इंटीग्रेशन का सम पता क्या आता है, चलो पहले मैं आपको बताता हूं कि वैल्यूज क्या क्या पुट करने। देखो एच होता है हमारा सेंट्रल राइज, वो हमारी हो गया 5। L, L हमारा होता है स्पैन लेंथ, तो वो होगी हमारी 20, तो यहाँ पे भी 20, ठीक है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, अगर मैं अभी सॉल्व करूंगा थोड़ा सा लंबी चली आएगी वीडियो, वो मैं नहीं चाहता हो, तो आप वो तो कर ही लोगे। तो अगर आप इसका सिंपली आंसर सीधा निकाल लोगे, तो हमारा न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या आती है, 4166.67, ठीक है ना। ये मैं आपको सब कुछ चेक भी करवाऊंगा लास्ट में, और वो चेक कैसे होगा वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो आप ये देखो कि न्यूमिनेटर हमारा ही निकल गया।
अब हम आते हैं अपने डिनोमिनेटर पार्ट पे, ठीक है ना। अब हमें डिनोमिनेटर निकालना है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर हमारा था वाई स्क्वायर डी एक्स बाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स बाई ए। अब हम यही पुट करते हैं, वाई की हमारी ये वैल्यू थी तो यही लिख लेते हैं, एक स्टेप का ये भी हमारा। तो डिनोमिनेटर अगर आप लिखो तो डिनोमिनेटर हमारा देखो जीरो से 20 लेंगे, ठीक है ना, स्पैन लेंथ लेंगे ना जीरो से 20, वाई स्क्वायर, वाई हमारा क्या है फोर एच एक्स एल माइनस एक्स बाय एल स्क्वायर डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा ये पूरा डिनोमिनेटर अब हमने लिख लिया ना अच्छे से, तो हम इसे साइड रखते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो या तो आप देखो अगर तो दो स्टेप्स थे, ठीक है, अगर तो आपको हॉचपॉच ज्यादा होना है, मतलब आप समझ सकते हो कि हमें कैसे सॉल्व करना है, अगर आप दोनों साथ में लेके जाओगे तो ये ना कुछ कैंसिल वगैरह हो जाती है, देख रहे हो ना आप, क्योंकि यहाँ पे वाई है यहाँ पे वाई है, जैसे कि हमने अपने लेक्चर थ्री में समझाया था, जहाँ की हम पैराबोलिक में मैंने आपको समझाया था कि कैसे ये कैंसिल हो जाते हैं, तो वो अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरा जो मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग सॉल्व करने चाहिए। तो अब ये अगर हम आप इसको अलग से सॉल्व करोगे तो ये तो हो गया, ठीक है। अब इसमें से फोर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो फोर भी बाहर आ जाएगा, एच भी बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये लेना है जीरो से टेन करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ट्वेंटी में भी रख लो, इसमें ज्यादा कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इज इक्वल टू देखो फोर एच बाय एल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर नहीं करते कि यहाँ पे स्क्वायर है तो बाहर भी स्क्वायर निकलेगा, ठीक है ना। और अब ये निकलेगा तो जीरो बाय टेन ले लेते हैं, चलो यहाँ पे टेन बाहर टू निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वही सेम मेथड ले लिया इजिकल। और इसमें ब्रैकेट में अब क्या बचेगा अंदर, देखो एल माइनस एक्स और ये वाला एक्स, ठीक है ना, तो ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैं भी देखो जैसे एक भूल गया था ना कि एक्स लगाना, तो आप भी भूल सकते हो, तो आप प्लीज अच्छे से याद रखना कि हमारा एक्स ये अंदर रहता है और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्वायर करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो आपका आंसर पता क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे, तो अगर आपका आंसर यहाँ पे पता क्या आ जाएगा कि टू वन सॉरी टू सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन, तो ये आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। अब हमारा क्या रह जाएगा, एच निकालना। तो एच आपको पता है ये होता है डिनोमिनेटर बाय न्यूमिरेटर, ठीक है ना, एच हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर बाय न्यूमिरेटर। तो हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट शीट पे करते हैं, क्योंकि आपको मैंने चेक भी दिखाना है। तो हम एच इज इक्वल टू न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो अब हमारा न्यूमिरेटर क्या आया था, फोर वन सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाय टू सिक्स सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन। अगर आप इसकी वैल्यू करोगे तो पता है क्या आंसर आएगा हमारा, फिफ्टीन पॉइंट सिक्स टू फोर कुछ इतना आएगा, ठीक है ना। इसको हम फिर से एक पूरा सर्कल में ले आते, देखो अब ये आएगा। अब चेक कैसे करना है, अब चेक मैं बताता हूँ। देखो जो हमारा चेक होएगा ना, वो हमारा ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला से होएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखो ये आप शुरू में नहीं कर सकते कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज, ठीक है, पर आपको करना जरूरी है, जब भी आप करोगे सॉल्व तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जरूरी है, अगर आप उस केस में आते हो। देखो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे ना, वो मैंने आपको देखो एक तो पॉइंट लोड के लिए कराया था और एक यूडीएल के लिए कराया था, ठीक है ना, तो दो में तो आप अप्लाई कर सकते हो अपने आंसर चेक करने के लिए, लेकिन अगर आपका लोड यहाँ पे होता तो यहाँ पे होता, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, तो आप सिंपली यहां तक करोगे और छोड़ दोगे आंसर और खत्म, मतलब बीएमडी बना के आंसर खत्म। लेकिन अब हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो हम कर लेते हैं सॉल्व। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है, 25WL बाय 128H, ठीक है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पॉइंट लोड एट इट्स क्राउन, ठीक है ना, जब हमारे एक टू इंच आर्च के पॉइंट लोड हमारा डब्ल्यू क्राउन पे होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये आपको याद भी होना चाहिए और आपको ये भी आना चाहिए कि ड्राइव कैसे होता है। तो ड्राइव मैंने आपको डाली हुई वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो हम चेक करते हैं, ठीक है ना, अब हम चेक करते हैं। तो अब देखो 25 हमारा लोड कितना था, 20, ठीक है ना, और हमारा एल कितना था, वो भी 20। अब 128 इंटू एच कितना था हमारा, 5, ठीक है ना। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, अगर मैं आपको कैलकुलेटर भी करके दिखा दूं, ये पूरा सॉल्व है ना, पूरा कैलकुलेटर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखो 25 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है ना,
कितना आ गया हमारा 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, ये आ गया हमारा 10,000, ठीक है ना। तो अब ये हो गया, अब 128 डिवाइडेड बाय सॉरी 128 × 5 640। अब इसको आप करो डिवाइड, ठीक है ना, 10,000 डिवाइडेड बाय 640 कितना आ गया 15.625। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है वीडियो में 15.625, और उसके जो क्लोज है हमारा पूरा आंसर है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15.625। अगर आपको दिखाना आप दिखा सकते हो, स्टैंडर्ड चेक आपको अच्छा है, बल्कि आपके कोई आंसर पे ज्यादा शक भी नहीं करेगा। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। अब हमारा क्या रह गया नेक्स्ट टॉपिक, जो हमें क्या निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में। ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकल गई, यहां तक तो खत्म। अब हमें कहा है कि बीएफडी भी निकाल लो, ठीक है ना, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालने के लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। देखो, हम जो बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेंगे ना, आपको पता है बेंडिंग मूवमेंट जीरो पे जीरो रहेगी, इस तरफ भी जीरो है तो जीरो रहेगी, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे आएगी, आपकी सेंटर पे, सेंटर पे लोड है, ठीक है। तो हम सेंटर को लेके चलेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप सी ले लो इसे, तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी निकाल के चलेंगे, ठीक है ना। वो कैसे लेके चलेंगे अब दिखाते हैं। देखो, मूवमेंट सॉरी बीएम बेंडिंग मूवमेंट एट सी, जो कि हमारा हो जाएगा सेंटर ही, ठीक है ना। तो आप सेंटर पे लेके चलो, ठीक है ना। तो अब देखो, सेंटर पे है ना, तो वी ए, ठीक है ना, वी ए इंटू इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर पे लेके चल रहे हैं तो 10, ठीक है ना, इंटू 10, या समझ गए ना, 20 है तो इसका 10, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर आप लिखो तो बेंडिंग मूवमेंट, तो वी ए इंटू 10, ये तो चलो मैंने आपको कर दिया, ठीक है ना। अब ये माइनस मैंने क्यों लगा दिया, पहले मैं चलो आपको यहां दिखाया था। देखो, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, वी ए ऐसे जाएगा, तो मतलब कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अब हमें एच ए लेना है, तो एच ए का देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलतियां जो कर देते हैं कि हम 10 ही ले लेते हैं, तो वो सारा गलत हो जाता है। तो जो हमारा एच ए का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो, जैसे ये पॉइंट है आपका, ठीक है ना, ये पॉइंट है आपका। अब यहां से एच ए है, ठीक है ना, अब एच ए का मूवमेंट निकालना, तो ये कुछ इस तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव कर लो। कई कई टीचर्स आपको बताते हैं कि हमेशा हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। तो वो उस पर मैं बिलीव नहीं करता कि आप इसको पॉजिटिव लो और इसको नेगेटिव लो, सब आप पर है, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि यार किसको नेगेटिव ले किसको पॉजिटिव। तो जिसको आपने सबसे पहले पॉजिटिव ले लिया, जैसे हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो दूसरे को बस नेगेटिव ले लो। तो अब आपको ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे समझ आ गया ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी ए माइनस 10 नेगेटिव एच ए इंटू 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे याद रखना बस आपको, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंट्रलाइज होगी, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब हमारा वी ए हमने निकाला था 10 × 10, एच ए अभी हमने निकाला 15.624 × 5। अगर आप इसे सॉल्व करोगे आंसर, तो पूरा कितना आएगा 21.88 किलो न्यूटन मीटर कुछ आ जाएगा बेंडिंग मूवमेंट हमारा, ठीक है ना, एट पॉइंट सी, जो कि हमारा सेंटर ही हो जाता है, ठीक है ना। अब इस पर आ गया, अब हम इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए देखो, कुछ ऐसे करा, ठीक है ना, यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, ये भी जीरो तो ये भी जीरो, ठीक है ना। अब हमारा बेंडिंग मूवमेंट एट सेंटर कितना निकला है, तो सेंटर पे निकला ना, लेट पॉइंट ये सी था, तो सी पे ये सेंटर, तो यहां से हमारा कुछ जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये वापस आएगा कुछ ऐसे, ठीक है ना, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 21.88 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये आप बेंडिंग मोमेंट समझिए। अब ये वाला पोर्शन तो सारा हो गया पॉजिटिव, ये हमारा हो गया सारा नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, जो हमें गिवन आज था, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पूरा क्वेश्चन पूरा होता है। तो ये तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ना, ये सिर्फ तीन शीट्स में हो गया। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख के कर रहा हूँ, और आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ, तो उससे टाइम भी बढ़ रहा है वीडियो का। लेकिन नहीं, अगर आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे ना, तो 5 मिनट की बात है। कैलकुलेशंस पे देखो थोड़ा सा मैंने टाइम बचाया था, लेकिन आप अच्छे से करना प्लीज कैलकुलेशंस, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आप सीधे ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे मैंने छोड़ दिया, जैसे सिंपल ऐसे। तो ये था हमारा आज का पूरा क्वेश्चन, तो ये था पूरा क्वेश्चन। अभी अपने इस पे पॉइंट लोड के लिए करें हमने, देखो पॉइंट लोड, ये भी बहुत
इम्पोर्टेंट है क्या दिया हुआ है, कहाँ पे लोड है, तो पॉइंट लोड पे दिया है। अब हम अगला करेंगे यूडीएल, तो यूडीएल में हमारा जो अलग से हमारा जो स्टैंडर्ड केस भी लगता है वो भी हम लगाएंगे, और जो जैसे ये हमने आज करा है तो वैसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आगे बहुत ऐसी वीडियोस आएंगी जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।